नमस्कार, मैं अनुराग, आप देख रहे हैं मेरे साथ विभाग बात। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा साहब हमारे साथ में। प्रभात जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत जी अनुराग जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। अचानक बीजेपी में मेल मुलाकातों के दौर बढ़े हैं, उस कारण खबरदारी भी बढ़ी है। आप खुद पत्रकार रहे हैं और खबरों से कई बार बड़ी खबरें बनती जाती हैं। देखिए, मैं इसको सहज मानता हूँ, मैं पत्रकार भी रहा हूँ, लेकिन आज से 30 साल पहले मैं पत्रकार था, तो उस दौर में ऐसी चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता था। कोई किसी के घर जाए, ना कैमरा होता था, ना व्हाट्सअप, ना सोशल मीडिया, इसलिए इन सब बातों का कोई महत्व नहीं था। अब मुझे लगता है कि बिना वजह महत्व दिया जाता है। हम तो सहज नरोत्तम जी छोटे भाई हैं, 1980 से परिचय है, जैसे आप लोगों से परिचय है, वैसे ही ज्वाइंट सेक्रेटरी का चुनाव लड़े थे वो, तो सहज हम नाश्ता करने गए। अब वहाँ कैमरा मैन आ गए, फोटो खींच लिया, तो चलता है। अब हम इसको कोई पॉलिटिकल आईक्यू से देखें, हाँ पत्रकार के नाते आप देख सकते हैं, लेकिन मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है, न ऐसी कोई बात वहाँ चर्चा होती है। सहज भेंट मुलाकात होती है, और सहजता को खबर में ले लेना, अब खबर का स्वभाव होगा। मेरे में आप बिल्कुल सहज भाव से गए। आपके पहले कैलाश जी आए, कैलाश जी ने मेल मुलाकातों के दौर शुरू किए, दिल्ली में कई बैठकें हुई, प्रहलाद पटेल जी के साथ हुई, तो कई सारी बैठकों के दौर। अच्छा, ये बताइए कि अपन किसके पास जाएंगे? हम लोग सोनिया जी के पास तो जा नहीं सकते, कमलनाथ जी के घर जा नहीं सकते, जाएंगे लेकिन ओकेजनली जाएंगे, लेकिन हम तो जाएंगे अपने नेताओं के घर। हम प्रहलाद पटेल जी के घर नहीं जाएं, नरेंद्र सिंह जी के घर नहीं जाएं, शिवराज जी के सीएम हाउस नहीं जाएं, तो कहाँ जाएंगे? बीडी शर्मा जी के घर ना जाएं, कहाँ जाएंगे? हम तो इन्हीं लोगों के यहाँ जाएंगे ना, या ये लोग ही हमारे आएंगे। इसलिए ये मानना, मैं समझता हूँ कि ये आज के खबर का स्वभाव हो सकता है, लेकिन इसमें खबर नहीं है कुछ भी। ये माना जाए कि स्वभाव हो सकता है, इन खबरों में प्रभाव नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, बीच बीच में जैसे ये बड़ी बात आई एकदम से कि कैलाश जी फ्री हो गए पश्चिम बंगाल से, अब कुछ काम नहीं है, तो हो सकता है मध्य प्रदेश का सीएम बनना चाहते हैं और इसलिए सब कर रहे हैं। अब ये ये फिर वही हाइपोथेटिकल हो गया। कैलाश जी फ्री कैसे हैं? राष्ट्रीय महामंत्री हैं, बंगाल का सारा काम देख रहे हैं अभी भी। कैलाश जी यहाँ के नेता हैं हमारे, मध्य प्रदेश के, वर्षों मंत्री रहे हैं। सवाल ये सब नहीं, क्या है ये, अपन बैठ के कुछ भी सोच लें तो सोचने में तो पैसा लगता नहीं है, और सोचने में लगता क्या, कुछ भी कह दें। तो ये सोचा हुआ हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसके पीछे इस तरह के कोई भाव होंगे। आपका तजुर्बा क्या कहता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री जाना चाहिए? निश्चित तौर पे अभी काम कर ही रहे हैं, इसमें क्या दो मत है, वो एक मतलब माकूल मुख्यमंत्री हैं? नहीं, निश्चित तौर पर एक सक्षम मुख्यमंत्री है। कोरोना से जिस तरह से उन्होंने फाइट किया है, और जिस सरलता, सहजता, सुलभता से उपलब्ध होते हैं वो, ये मैं नहीं समझता कि कोई सामान्य मुख्यमंत्री कर पाएगा। और आपने देखा होगा सब जगह नंबर एक चल रहे हैं, कोरोना से लड़ाई में भी नंबर एक चल रहे हैं, सारी सुविधाओं में भी नंबर एक चल रहे हैं, अनाथ बच्चों को भी, जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको देने में, तो ऐसा सब चीज़ें तय तो हुई। अच्छा, एक चीज़ और थी कि बीच बीच में इन बैठकों के बाद निकल के आता है, कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि बहुत सारे दूल्हे हैं और सब अपने अपने शादी की तैयारी कर रहे हैं। ये सब हाइपोथेटिकल है, स्वनिर्मित, स्वविचार, स्वलिखित। ये माना जाए कि अगला जो चुनाव है मध्य प्रदेश में विधानसभा का, वो शिवराज जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, आपका तजुर्बा क्या कहता है? ये मेरा तजुर्बा नहीं है इसमें, अभी तक तो यही है, आगे जो हाईकमान तय करता है। आप भी जानते हैं, पिछली बार भी उज्जैन में घोषणा की थी अमित भाई ने, तो हमारे राष्ट्रीय नेता जो तय करेंगे वो नेतृत्व में किसके लड़ा जाएगा। ये आज तो ये सवाल उठता ही नहीं है, ये सवाल ही नहीं है आज तो नेतृत्व शिवराज जी का है ही, शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं, बीडी शर्मा अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश सरकार के जो कामकाज हैं, आपने कोरोना की बात की और दीगर भी जो काम है कृषि से संबंधित, खास करके किसानों के मसले बहुत ज़्यादा हैं, तो लगता है बिल्कुल ठीक चल रहा है या कुछ सुधार की गुंजाइश? देखिए, यहाँ सुधार तो हमेशा, राजनीति में सुधार हमेशा रहता है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार जितनी सहजता सरलता से समाज के बीच में जाती है, शायद मध्य प्रदेश का कोई देश की कोई भी सरकार इतनी सरलता सहजता से नहीं जाती है, चाहे किसान का मामला हो। आप देखिए, एक भी पलायन हुआ कि यहाँ पर कोई घटना हुई कि ऐसी? हाँ ठीक है, क्राइसिस हुआ एकदम, तो उस समय आपाधापी मची थोड़ी सी, और यही नहीं मची पूरे देश में, लेकिन कितनी जल्दी नियंत्रण हुआ ये भी देखना चाहिए। यहाँ तक कि भाजपा ने स्वयं 1000 बेड का कोविड सेंटर बना दिया, तो इसलिए मध्य प्रदेश में सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाने का स्वभाव लेकर जो मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, सारे मंत्री, कोई मुख्यमंत्री नहीं, अब नरोत्तम जी हैं,
सब जगह जा रहे हैं एक एक, मतलब मैं पहला मंत्री ऐसा देखा जो कोविड में कोविड मरीजों से स्वयं जाकर मिलता हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मध्य प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, उनके परफॉर्मेंस को लेके तो नरोत्तम जी ने बहुत अच्छा काम किया और दीगर मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के रवैये को लेके, उनके कामकाज को लेके बहुत सवाल उठाए गए। सवाल उठते होंगे, लेकिन उन्होंने भी अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम किया है। प्रभुराम चौधरी स्वयं डॉक्टर हैं, उसका लाभ मिला है उनको। बीजेपी की राजनीति, आप कह रहे हैं कि पूरा वातावरण शांत है, और ये जो बैठकें थी, जो मुलाकातें हुई, ये बहुत सहज भाव से थी, और बैठकों की एक प्रक्रिया होती है, तय करने का तरीका होता है, घोषणा। देखिए, ये कांग्रेस नहीं है, ये एकदम जब हम सोचते हैं तो ये अपन सोच के चलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी है। शिवराज जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जब ज्योतिरादित्य जी भाजपा में आए तो हुआ कि नहीं हुआ, तो हमारे यहाँ तो निर्णय होता है, सुनाया जाता है। अभी हमारे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलना था तो त्रिवेंद्रम जी को बुलाया, कहा कि आप आ जाइए इधर, और तीरथ जी को कहा कि आप चले जाइए उधर। हमारे यहाँ तो ये परंपरा नहीं है, इन बैठकों से थोड़ी कुछ होता है। हमारे यहाँ कोई ऐसी बात होती है तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ होती है, और भारतीय जनता पार्टी में कम से कम इतना तो विश्वास है आपस में कि जो निर्णय केंद्र लेता है उसको फॉलो करते हैं सारे लोग। तो इसलिए ये बैठकों का दौर सहज सरल है, मिलना जुलना होना चाहिए, अस्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक मिला नहीं है। मध्य प्रदेश में एक बड़ा कांड आया था, हनी ट्रैप कांड, उसको लेके कमलनाथ जी ने एक बयान दिया कि साहब मेरे पास हनी ट्रैप की जो सीडी, तो सब लोगों ने कहा दिखा दीजिए। ये क्या है राजनीति में, क्या माना जाए इनको? देखिए, उन्होंने ये कहा कि बिलो बेल्ट में जाता नहीं हूँ, वो मुख्यमंत्री थे, अगर चाहते तो उस समय भी कुछ कर सकते थे अगर उनके पास है तो, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कभी बिलो बेल्ट नहीं जाता हूँ। राजनीतिक क्षेत्र है, समाज में विकृतियाँ भी होती हैं, समाज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जब मैं प्रोफेशनली हो गया हूँ कि आपको फंसाना ही है मेरे को, तो फिर तो जब फंसाने का एक कंपनी चला रहा हो आपनी तो फंसना है, तो इसलिए वो समझते हैं कि नहीं, ये नीयत कैसी है, इसका खेल कैसा है, इसमें क्या होगा, इसलिए उन्होंने कहा होगा। लेकिन मैं नहीं समझता, अगर वो चाहते तो मुख्यमंत्री के नाते भी बहुत कुछ कर सकते थे। ये क्या प्रेशर पॉलिटिक्स माने? नहीं, प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं, ये सहज मुंह से निकल जाता है कि मेरे पास ये भी है। और मुख्यमंत्री रहे तो तमाम जानकारी होगी, निश्चित तौर पे होगी। कमलनाथ जी जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस समय मध्य प्रदेश में, वो बिल्कुल, देखिए कमलनाथ जी ने बहुत दो तीन बातें बहुत अच्छी की है, बहुत साफ शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री जी कोरोना में हम आपके साथ हैं, जहां आप कहेंगे जैसा कहेंगे, उनको जो सुझाव देना है होता देते हैं, बाकी विरोध में है तो विरोध की बातें तो करेंगे ही, वो उसमें क्या दिक्कत है। एक किरदार और है मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह जी, तो लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं। अब इस उम्र में क्या करेंगे वो, इस उम्र में 74 से 76 के बीच में आदमी क्या करता है, 72, 73, 74 का जब चिट्ठियां लिखेगा और क्या करेंगे, चिट्ठियां तो लिख रहे हैं ना, ये क्या कम है? अपने विरोध प्रकट करने के तरीके स्याही और कागज से खेलते हैं, तो खेलना चाहिए उनको। बीजेपी तो ये भी आरोप लगाती है कि वो सिर्फ सोशल मीडिया के नेता बन के रह गए। नहीं नहीं, आरोप लगाती होगी। देखिए, नेता तो आज की तारीख में गांव-गांव में उनके सब परिचित लोग हैं, वर्षों मुख्यमंत्री रहे, आज भी जीवंत काम करते हैं, इसमें तो कोई दुमत नहीं कि कांग्रेस में अगर कोई कार्यकर्ताओं का नेता है तो दिग्विजय सिंह जी हैं, इसमें तो कोई दुमत है ही नहीं। कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह की तुलना करें तो कौन बेहतर? नहीं, हम तुलना क्यों करेंगे, बेहतर और उसमें कांग्रेस तय करे, बेहतर तो इसलिए कमलनाथ जी हैं कि कमलनाथ जी अध्यक्ष भी हैं, कमलनाथ जी प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, कमलनाथ ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही कमलनाथ है, ये जो आरोप है सब कुछ जो है वो कमलनाथ। हाँ, तो इसमें कोई तो मत है ही नहीं ना, ये तो कमलनाथ जी स्वयं भी कहते हैं, मैं कांग्रेस कमलनाथ, कांग्रेस कांग्रेस कमलनाथ, कमलनाथ कांग्रेस, इसमें तो दो मत है ही नहीं। मतलब आपने भी लिखा था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह राजनीतिक, नहीं मैंने, मैं तो अभी भी कहता हूँ कि वो पूरी तरह से कॉरपोरेट सेक्टर चलाते हैं, बहुत आराम तलम है वो, बहुत भाग दौड़ नहीं करते, ज़्यादा झंझट नहीं पालते, इसलिए हर का अपना तरीका होता है, उनका अपना एक तरीका है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में बहुत किसानों को लेकर बात थी कि 2 लाख का कर्जा माफ़ किया जब सरकार बनी उसके बाद, तो ऐसी कोई व्यवस्था आप लोग तैयार कर रहे हैं कि सॉरी किसानों को जितना शिवराज जी ने दिया है, भारत के किसी सरकार ने किसानों को इतना नहीं दिया है। कहने में अच्छा लगता है 2 लाख, 2 लाख से ज़्यादा चीज़ें पहुंच चुकी हैं किसानों के खाते में पिछले 1.25 साल में। अब 1.25 साल हुए हैं, 1.25 साल में आप पूछेंगे तो हजारों करोड़ रुपए किसानों के खाते में गए हैं।
इतना ही नहीं, 6000 रुपये तो प्रधानमंत्री के यहाँ से गए, 72-76 हज़ार करोड़ रुपये मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में भी गए। इसलिए किसान हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि वो भारत के आर्थिक मेरुदंड का शान है, इसलिए किसान हम सबकी प्राथमिकता है। एक सवाल और था, किसान हमेशा प्रायोरिटी पे और किसान हमेशा पीड़ित रहता है? नहीं, देखिए, अब उसके पारिवारिक जिम्मेदारियां रहती हैं, उसके अन्य अन्य चीज़ें होती हैं, उसके सीमित साधन होते हैं, अनाज पर आधारित जीवन होता है, अनाज ही उसका नाज है। अब उस सब चीज़ों पे करते करते कभी परिवार में शादी ब्याह, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये सब बातें होती हैं। तो अब लेकिन आज किसान ऐसे भी है जो IIM IIT करने के बाद बच्चे खेती कर रहे हैं, वैज्ञानिक पद्धति से कर रहे हैं, फल फ्रूट भी। आप चले जाइए मालवा में, क्या विदेशों में जा रहा फल फ्रूट। तो ऐसा नहीं है, अब वो अब पीड़ित नहीं है किसान। जो पीड़ित किसान है वो अपने आप में थोड़ा सा मध्यम श्रेणी का होगा, लघु श्रेणी का होगा, लेकिन किसान अब पीड़ित, तो मध्य प्रदेश में किसान कम से कम पीड़ित नहीं है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में क्या है आपके? ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे नेता हैं, पार्टी में हैं, काम कर रहे हैं, सांसद हैं राज्यसभा के। आपने तो लंबे समय तक उनके खिलाफ नहीं, पार्टी ने काम दिया था संघर्ष करने का, तो संघर्ष किया, पार्टी उनको ले आई, तो उनके साथ खड़े हैं, उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल पार्टी में घुल मिल गए, निश्चित तौर पर घुलेंगे ही भाई। उनका तो राजमाता जी से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पिताजी कैलाशवासी माधवराव सिंधिया, वो स्वयं भी जनसंघ से पहला चुनाव लड़े थे, तो इसलिए कोई नया नहीं है। आए देर से लेकिन सही जगह आए, आए देर से लेकिन सही जगह। अब आपकी उनसे ठीक ठाक पट रही है? नहीं, मेरी सबसे पटती है। मैं अपने को आजाद शत्रु कह नहीं सकता, लेकिन मेरा तो कोई शत्रु है नहीं राजनीति में, कभी किसी को शत्रु नहीं मानता मैं। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि अगर जानकारी भी मिल जाएगी कोई नाराज है तो उसको प्रसन्न करने की, उससे बातचीत कर, मैं नाराज क्यों है, ये मेरा स्वभाव है। अच्छा, शिवराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी उस कैलिबर के और नेता हैं मध्य प्रदेश में? अभी मैं तो तोलता नहीं हूँ, नेता तो सब नेता कौन से कैलिबर के नहीं, सब कैलिबर के नेता हैं यहाँ पे। तो हर जिसको काम देंगे आप कैलिबर होगा। शिवराज जी 15 साल से काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री के नाते। भारत में इस समय सर्वाधिक वर्षों वाले मुख्यमंत्री, वर्तमान में जितने मुख्यमंत्री हैं उन सब में सीनियर मुख्यमंत्री हैं, ये तो हम सब के लिए गौरव का विषय है। तो ये माने कि अगला चुनाव शिवराज जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा? ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं उस स्तर का नेता जिस दिन बनाएंगे उस दिन मैं कह दूंगा। अभी तो ये कहा जा सकता है कि हाँ, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेगा। प्रभात झा साहब कह रहे थे कि जो मेल मुलाकातों के दौर हैं ये बहुत सहज और सामान्य हैं, और जिस तरह की चर्चा हैं ये सिर्फ हवा हवाई चर्चा हैं। बीजेपी मजबूती के साथ जनता के काम करने के लिए लगी हुई है। प्रभात जी का कहना है कि उनको जब जिम्मेदारियां दी जाएंगी तब वो निर्णय करने की स्थिति में होंगे और बता पाएंगे। आज फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज़। नमस्कार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।